चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले दो महीने से लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बाद चीनी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वे या तो चीनी सरकार की देखरेख में हैं या फिर कहीं चले गए हैं। अटकलें ये भी हैं कि जैक मा को गिरफ्तार कर लिया गया हो या फिर घर में ही नजरबंद कर दिया गया हो। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले दो महीने से लापता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने जैक मा की मौजूदगी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पीपल्स डेली ने कहा है कि जैक मा को एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जैक मा को सरकार ने सलाह दी है कि वे देश को ना छोड़ें। ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैक मा की इस दुर्दशा के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका गहरा विवाद है। जैक मा चीन में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बतौर वक्ता मौजूद रहते हैं। अपने मोटिवेशनल भाषणों की वजह से वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में एक कार्यक्रम के दौरान चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी। जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि बिजनेस में नई चीजें शुरू करने की कोशिशों को दबाया ना जाए। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया। इसके बाद जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके कारोबार के खिलाफ तरह तरह की जांच शुरू की गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर चीनी अधिकारियों ने जैक मा को झटका देते हुए पिछले साल नवंबर में उनके एंट ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। क्रिसमस से पहले जैक मा को निर्देश दिया गया कि वे तब तक चीन से बाहर ना जाएं जब तक उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच पूरी ना हो जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जैक मा बीते दो महीने में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम अतिथि की सूची से हटा दिया गया। नवंबर में मशहूर शो अफ्रीका के बिजनेसमैन हीरोज के एपिसोड से भी रहस्यमय तरीके से उनका नाम हटा दिया गया। शो के पोस्टर से भी उनकी तस्वीर हटा दी गई। आपको बता दें शो को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जैक मा की ही है और उन्हें खुद ही इस शो से बाहर होना पड़ा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।